बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चिकन बिरयानी। ढाबा स्टाइल चिकन बिरयानी के लिए मैंने तो लिया है तकरीबन 1.5 किलो गोश्त और 1.5 किलो चावल। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हमें चिकन को एक बर्तन में ले लेना है। उसके साथ हमें दरकार है दही का एक प्याला, 3 चाय के चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 2 चाय के चम्मच नमक या हसबे जायका, और 1 चाय का चम्मच हल्दी, और तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच गरम मसाला कुटा हुआ। तो सबसे पहले हम चिकन में दही को डाल देते हैं। दही को इसमें ऐड करेंगे और उसके साथ हम बाकी मसाला जात भी ऐड करेंगे। चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह से इसका मसाला मिक्स करने के बाद हम इसे 1 घंटे के लिए रख लेंगे। चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया हमने। तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए ढांप कर रख देंगे। इस दौरान हम बाकी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। तो दोस्तों, चावल को अच्छी तरह धोकर तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे भिगोकर। और उसके साथ हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं, तकरीबन 5 अदद टमाटर, 4 अदद लीमू, 8 से 10 हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक और इमली। इमली का हमने पेस्ट बनाना है। उसके साथ हमें दरकार है 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज और पुदीना और धनिया। पुदीना धनिया प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना लेंगे। और इमली को हमने भिगोकर इसका पेस्ट अलग से बनाना है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, इन चीज़ों का पेस्ट बनाते हैं। और लीमू को हमने दम के वक्त डालना है और टमाटर शुरू में डालने हैं। और आपसे ये रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम घी को डालेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लहसुन को डालेंगे। सॉरी, तो दोस्तों सबसे पहले हम प्याज को डालेंगे। प्याज का हमने पेस्ट नहीं बनाना, अगर उसका पेस्ट बनाया तो वो ग्रेवी में शामिल होगा। तो इसलिए हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। तो प्याज अब लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट भुनने के लिए डालने जा रहे हैं। इसको अच्छी तरह भुनने के बाद हम इसमें मुर्गी डालेंगे। तो दोस्तों, पेस्ट को हमने अच्छी तरह भून लिया। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करने जा रहे हैं, मतलब स्पाइसी करने के लिए। ओ, तो दोस्तों अब हम इसमें चिकन ऐड करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम किसी मज़ीद स्पाइसी करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए टमाटर का पेस्ट डालेंगे इसमें, और इमली भी डाल देंगे। अगर मज़ीद आप इससे ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं, स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो नेशनल वालों का इसमें
बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। अगर ये भी आप ना डालें, किसी के पास नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तो आप घर वाला मसाला डाल सकते हैं, जैसे हल्दी होगी, नमक होगी, नमक मिर्च और आलू बुखारा भी डाल सकते हैं इसमें, और नमक हसबी जायका चख कर डाल दें आप। अब हम इसमें नेशनल वालों का बिरयानी मसाला डालने जा रहे हैं। मैंने इसको पहले कर लिया था सादे मसाले को, मज़ीद अच्छा बनाने के लिए स्पाइसी ढाबा स्टाइल बिरयानी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा बना कर देखिएगा। अब ये भून जाएगा, फिर पानी डालेंगे, फिर चावल डालकर पका कर आपको दिखाएंगे। 1.5 किलो चावल लिए थे, तकरीबन पानी हम इसमें डालेंगे 3 किलो पानी डालेंगे। कुछ बिरयानी होती है तह वाली, वो बनाते हैं बिरयानी, कुछ होती है ऐसे पुलाव वाली, ये ढाबा स्टाइल पुलाव वाली बिरयानी है। पानी अपने इलाके के हिसाब से जितनी भी ज़रूरत पड़े ना उतना ही डालिएगा, ये ना हो कि चावल गिर जाए। हमें तो 1.5 किलो पानी, 1.5 किलो चावल है ना इसमें, हम तकरीबन 1 किलो में 1.25 किलो पानी डालेंगे, क्या इसी हिसाब। अब गोश्त भुन गया है अच्छी तरह, देखिए बोटी भी नहीं टूटी, वैसी है। अब हम पानी डालेंगे, अब आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है, और नमक भी चख लीजिएगा अपने हसबे ज़रूरत, आप कितने नमक डालना चाहें डाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब हम इसमें चावल डालेंगे, चावल डाल दिए, नमक भी चख लिया था ठीक था। अब हम इसका ढक्कन दे देंगे, अब हम इसमें अगर ज़रूरत हो तो सब्ज मिर्ची भी डाल सकते हैं, किसी किसी को अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसको दम लगाने के लिए जा रहे हैं, तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे दम लगाएंगे, और तब हमारे चावल बिल्कुल पक कर तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब दम पूरा हो गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे अच्छे चावल खिले हुए चावल बने। अब हम आपको प्लेट में डाल कर दिखाएंगे, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बिल्कुल पककर तैयार हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।